मौमिता मर्डर केस। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संजय ने कहा है कि उसने रेप के बाद ट्रेनिंग डॉक्टर का मर्डर किया था। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया था, रास्ते में भी एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी थी। संजय ने एक दिन पहले 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट में ये सारे बातें कही है। पुलिस कस्टडी में भी संजय ने रेप और मर्डर की बात स्वीकार की थी। संजय का यह कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया है। 8 और 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तेई डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लड़की की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम के मेंबर्स ने रविवार 25 अगस्त को 3 घंटे संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जिसमें संजय ने कबूला है कि उसी ने तेई डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की थी। संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई को बताया कि उसने 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ शराब पी थी, इसके बाद वह रेड लाइट एरिया गया था, रास्ते में उसने एक लड़की को मोलेस्ट भी किया। इसके बाद संजय ने देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की और न्यूड तस्वीरें मांगी। संजय ने बताया कि वह सुबह करीब 4 बजे संजय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल पहुंचा, जहां टेई डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद वह सुबह अपने दोस्त के घर गया। उसका दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर था। संजय राव को पुलिस ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। संजय को घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय मेडिकल कॉलेज में ही सिविक वॉलेंटियर था। पुलिस के बाद 14 अगस्त को ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। इसके बाद उसे सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। 23 अगस्त को अदालत ने संजय सहित 7 लोगों ने के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त दी थी। मजिस्ट्रेट के सामने रोते हुए उसने कहा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। सीबीआई ने अदालत में दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसमें कोई घबराहट नहीं थी और ना ही कोई पछतावा, उसने बिना हिचकिचाहट के पूरी घटना बताई। संजय ने जेल प्रशासन से सोने की इजाज़त मांगी थी। उसने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से कोलकाता पुलिस और सीबीआई की लगातार पूछताछ के बाद मैं बहुत थक गया हूँ। शुरुआती दिनों में देर रात तक पूछताछ चलती थी, इसलिए सोना चाहता हूँ। 24 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। इसके बाद 25 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष के घर छापा मारा। एजेंसी ने संदीप घोष और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर तलाशी ली। घोष पर मेडिकल कॉलेज के वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने उन पर कई आरोप लगाए थे। संदीप का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि 8 और 9 अगस्त को हुए रेप और मर्डर को लेकर घोष ने जो बयान दिए हैं, उनकी क्रॉस चेकिंग के लिए घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। घटना के 4 दिन बाद ही उसने प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उसे नियुक्ति दूसरे कॉलेज में की गई थी। पुलिस और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। इस मामले में 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सीबीआई में कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। कोर्ट ने कहा था कि सुबह 10:10 पुलिस को खबर मिली कि एक टेई डॉक्टर अस्पताल में बेहोश हालत में मिली है। फिर पुलिस ने 6 और 7 बजे के बीच शव को पोस्टमार्टम करवा दिया, लड़की का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया, लेकिन FIR रात 11:45 दर्ज की गई। ये FIR सबसे पहले होनी चाहिए थी। अखबार से बातचीत में आरोपी संजय राय की वकील ने कहा, अगर उस कमरे में घुसना किसी के लिए इतना ही आसान था तो मुमकिन है कि संजय के अलावा भी कोई वहां जा सकता है। संजय राय ने यह भी दावा किया है कि वह पीड़ित को नहीं जानता था और उसे फंसाया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि अगर वह निर्दोष है तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, इस पर संजय ने कहा
कि उसे डर था कि कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। Thank you.